आज इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हारमोनियम के ऊपर खुद से गाना कैसे निकाल सकते हैं, आप लोग खुद से कोई भी गाना कैसे बजा सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बड़ी इजीली आप कोई भी गाना हारमोनियम के ऊपर बजा सकते हैं, लेकिन वो सिंपल तब होगा जब आपको स्वर ज्ञान होगा। सर, अगर आपको स्वर ज्ञान है, स्वर ज्ञान से क्या मतलब? सबसे पहले तो मैं आपको यही चीज समझाऊं। जैसे मान चलिए मैंने ये स्वर पकड़ा, अभी मैंने ये स्वर सुना, इसके अकॉर्डिंग इस स्वर के अंदर उस गाने को फिक्स रूप में ढालना, यानी कि देखिए स्वर की ग्रेंज है, जैसे ये सा है, मेरे रश के कवर तूने पहली नजर, तो देखिए मैंने क्या किया, इस स्वर के अकॉर्डिंग ये गाना डाल दिया, मेरे महबूब कयामत होगी, है ना। ये होता स्वर ज्ञान, कि स्वर को सुना, अनुभव किया कि उसकी ऊंचाई कितनी, क्या रेंज है, उस रेंज के अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर गाना फिट कर दिया। जैसे मान के मैं अभी कोई ये स्वर ले लेता हूँ, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, तो ये स्वर के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। ऐसे ये ले लेता, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, तो ये स्वर के अकॉर्डिंग, इस चीज को स्वर ज्ञान बोलते हैं। अगर आपको खुद से गाना निकालना सीखना है, बजाना सीखना है, तो सबसे पहली चीज आपको ये आनी जरूरी है। कोई भी गाना आप देखिए, बजाना तभी आएगा जब आपको पहले गाने को गुनगुनाना आएगा। अगर आपको गाना गुनगुनाना नहीं आता, तो अब ये अपने मन से ख्याल निकाल दीजिए कि आपको हारमोनियम के ऊपर गाना निकालना चाहिए। सबसे पहले आपको स्वर को, खाली एक स्वर को पकड़ने से, मेरे महबूब कयामत होगी, एक स्वर को पकड़ के गाना आना चाहिए, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, है ना। स्वर को पकड़ के गाना आना चाहिए। सेम ऐसे प्रैक्टिस करिए। पहली चीज आपको यही करने की, हर एक स्वर, जैसे ये पकड़ा, इस पे गाइए, ये पकड़ा, मेरे महबूब, ये स्वर के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। सेम है, मान चल मैं ये पकड़ा, मेरे महबूब कयामत होगी, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आ, तो इस तरीके से आपको स्वर को पकड़ के पहले गाने को गाना आना चाहिए, उस रेंज में गाने को गाना आना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज आ गई तो फिर धीरे धीरे गाने के स्वर मिलने शुरू होंगे। सबसे पहला स्टेप यही है कि आप जो गाने आपको दिमाग में, जैसे कि उन गानों को पकड़िए, स्वर पकड़िए, उसके ऊपर गाइए, इस स्वर को पकड़िए, उसके गाइए, इसके ऊपर पकड़िए, इसको गाइए, पहली चीज यही प्रैक्टिस करनी है। इसी चीज को स्वर ज्ञान बोलते हैं। ये चीज आप गाने गा गा के स्वरों को पकड़ के भी आप ये चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है एक सिंपल फ्री स्टाइल तरीका, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से चलना, तो फिर आपको सारे अलंकार सीखने पड़ेंगे, सारे थाट सीखने पड़ेंगे, सारे राग सीखने पड़ेंगे, सारे स्केल सीखने पड़ेंगे, फिर जाके आपको ये चीज अपने आप से आ जाएगी, ठीक है। अभी आपको देखने की आपको कौन सा रास्ता अपनाना है, आपको गानों से स्वर ज्ञान करना है कि आपको प्रॉपरली सीख के, जैसे अलंकार सीख के, फिर थाट सीख के, थाट के अंदर वो अलंकार बजाइए, स्केल बजाइए, उस प्रोसेस से आपको हारमोनियम के ऊपर गाना निकालना सीखना है। सो ये दो तरीके हैं, इन दो तरीके से आप किसी भी गाने को हारमोनियम के ऊपर निकाल सकते हैं, लेकिन ये एक शुरुआती प्रोसेस है स्वर ज्ञान का, कि जिससे आपको स्वर ज्ञान हो गया तो फिर गाना निकालना अपने आप इजी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि गाने को कैसे निकाला जाता है, क्या प्रोसेस रहता है, उसके लिए आपको क्या चीज़ करनी पड़ेगी, पहले आपको किस तरीके से तैयारी करनी है कि आपको अपने आप हारमोनियम के ऊपर गाना निकालना आ जाए। सो धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, मिलते अगली वीडियो में, धन्यवाद।